मैं तो महीनों से कह रहा हूं कि मेरा मन नहीं थका, लेकिन शरीर तो थका हुआ है। मैं जितना काम करता था कभी 12 घंटे, हर आदमी का एक रिटायरमेंट का एज होता है। आपको बता दें 21 सितंबर को राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। इस पद को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि मेरा मन नहीं थका है लेकिन शरीर थक गया है। अब मेरी इच्छा अध्यक्ष बनने की नहीं, क्योंकि हर आदमी के रिटायर होने की एक उम्र होती है। इतना ही नहीं, पटना में मीडिया से बात करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पहले 12-12 घंटे तक काम करता था लेकिन अब 6 घंटे ही काम कर पा रहे हैं। अब उनकी इच्छा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की नहीं है। अब राजद सुप्रीमो लालू यादव पर है कि वे कार्यभार किस से सौंपते हैं। आपको बता दें जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से ना कमान मांगी और ना ही किसी काम से भागे। लोहिया और कर्पूरी से हमने यही सीखा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी के साथ निभाइए और जनता की सेवा करें। कहना है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि वो इसको इस कार्य का भार देंगे। मैं तो महीनों से कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं थका, लेकिन शरीर तो थका हुआ है। मैं जितना काम करता था कभी 12 घंटे, यहाँ आ कर के भी शुरू में 8 घंटे में काम करता था, अब 8 घंटा 7 घंटा हो गया है, 6 घंटा हो गया है। और 6 घंटा लगातार बैठना, लोग कहते हैं कि अपनी उम्र को घटाना है, तो उम्र भी पर अधिकार है पार्टी का। मैं उसमें भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन हर आदमी का एक रिटायरमेंट का एज होता है। लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनके सभी साथियों का काम है कि उनकी बात को सुने माने, और जब तक लोगों में थोड़ी भी सामर्थ्य बची है तब तक काम करें। तो मैंने अपनी बात कह दी, आज से नहीं, मुझे लगता है कि हम महीनों से कह रहे हैं। कमान अभी देखो, यहीं पर सवाल दूसरा उठता है, न मैंने कभी कमान मांगा और न मैं किसी कमान से भागता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रकृति जो तुम्हें समय दिया है उसका उपयोग करने की भी कहीं न कहीं उसकी आदेश है, और वह आदेश किसी व्यक्ति के द्वारा ही, संस्था के द्वारा ही किसी को मिलता है। तो भागना पलायन तो मेरे जीवन में सीखा है, चाहे जितनी भी परिस्थिति 35-35 सालों से आई या हमारे एक विद्यार्थी जीवन से आया, हम लोग डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर से यही सीखा कि जनता की दी हुई जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाओ। ये जिम्मेवारी क्या है, वह जनता देगी या जनता के जो तत्कालिक नेता है वो देंगे। तो मैं एक सहयोगी के रूप में हमेशा रहा हूँ। हाँ, यह है कि सरकार और विधानसभा के भीतर हमारी एक दूसरी भूमिका थी, यहाँ उससे भी एक कठिन काम है। ये पूरी बिहार के लोगों की, सभी लोगों को संभाल लेना, जहाँ पर अपने साथियों की सहयोग से, वह एक कठिन काम है, उसको मैं 3 साल से कर रहा हूँ। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।